तो आज हम लोग बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में अंडरग्राउंड सीक्रेट, यार अंडरग्राउंड का स्पेलिंग ही रॉन्ग दिख दिया, अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाने वाले हैं हम लोग आज माइनक्राफ्ट के अंदर। गेम मोड हम लोग क्रिएटिव कर देते हैं, सर्वाइवल में अभी तक इतनी औकात नहीं हमारे बनाने की। और वैसे ये लोड होने तक तुम लोग एक काम कर सकते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ और वीडियो को लाइक मारो यार। जॉइनिंग वर्ल्ड, तो हम लोग आ गए हैं क्रिएटिव की दुनिया में और यहाँ पर कोमड़ी है। कोमड़ी सुनो, कोमड़ी मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी सीक्रेट बेस में मेरी सीक्रेट एजेंट बनोगी? 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 हाँ हाँ बोला। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर हमारा सीक्रेट बेस बनाते हैं अंडरग्राउंड वाला। एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी घास है, तो हमें पहले घास को काटना पड़ेगा। एक अकेला बंदा कैसे काटेगा इतनी घास? ओ घोड़ो, उधर बैठ के क्या मजा कर रहे हो यार, इधर आके जरा घास खाओ, थोड़ी मदद कर दो ना मेरी प्लीज। तो ग्रास को तो पूरा हमने निकाल दिया, तो हम लोग इधर से खुदाई चालू करते हैं। तो इधर हम लोग एक लाइन में खुदाई करते हैं, ये वैसे छोटा रहेगा तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर भी खुदाई करते हैं, इधर से चालू करते हैं इधर तक इधर तक इधर तक और बस हो गया। आई थिंक अभी भी वैसे छोटा होगा, हमारा जो पिस्टन है वो इसके अंदर नहीं रहेगा, तो हम लोग इधर भी खुदाई करते हैं। ओके, ये खुदाई हो गई है, तो हम लोगों को एक पिस्टन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को पिस्टन मालूम नहीं है उनको मैं बता दूँ कि क्या करता है पिस्टन, मैं भी भूल गया। मैं दिखाता हूँ कि पिस्टन क्या करता है। हम लोग पिस्टन इधर पहले रखते हैं, ये इधर एक और ये इधर एक रख दिया, वेरी गुड। ये पिस्टन तो यहाँ पे रख दिया है, तो ये पिस्टन से हम लोग एक सीक्रेट डोर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लगेगा रेड स्टोन। तो रेड स्टोन से हम लोगों को एक वायर टाइप सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिस वायर को हम लोगों को एक लीवर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक वायर बनाते हैं, इधर से ये इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। ओके, तो इसके एंड पे हम लोगों को एक लीवर लगाना पड़ेगा, फिलहाल तो इस पे रखते हैं, बाद में जाके कुछ तो बनाएंगे फैंसी ऐसा। इधर से ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया, आई होप कि दिस वर्क्स, आई होप। ओके, तो वायर का कनेक्शन तो चल रहा है लेकिन इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करें? ओके, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो आई थिंक ये चल रहा है, पहला एक्सपेरिमेंट तो कामयाब हो गया हमारा। लेकिन हम लोग ये तीन वाले कैसे एक्टिवेट करें? तीन एक्टिवेट करने नहीं हो रहे, तीन एक्टिवेट तो नहीं हो रहे, तो हमें यूज करना पड़ेगा एक रेडस्टोन रिपीटर। तो रेडस्टोन रिपीटर अगर हम लोगों ने इधर रखा, एक इधर रखा और दूसरा इधर रखा, तो ओह यस, हम लोगों ने पिस्टन का यूज करके हमारा सीक्रेट रास्ता बना दिया है। आप लोगों को दिखाता हूं मैं ये रास्ता, ये देखो ऐसे किया, ये है हमारा अंडरग्राउंड जाने का रास्ता। तो पहले तो हम लोग ये लीवर को छुपा देते हैं, तो कोई भी एरा गैरा पांडुआ के लीवर को खींचेगा और हमारे घर के अंदर आ जाएगा। तो पहले तो इधर से बंद, इधर से भी बंद, इधर से और यहाँ पर भी बंद करना पड़ेगा। वैसे तो पूरा एरिया बंद करना है हमें, लीवर तो हमने बाहर लगा दिया, तो अभी भी लीवर दिख रहा है, ये अच्छी जगह नहीं है लीवर के लिए। लेकिन हम लोग ऊपर से पहले कवर करते हैं, तो एक मैं काम करता हूँ कि मैं लीवर को ऊपर लगा देता हूँ और ये नीचे वाले पूरे एरिया को कवर कर देता हूँ, और फिर हम लोग ऊपर करेंगे कुछ तो जुगाड़ लगा देंगे कुछ तो। ओके, ये लीवर चल रहा है, अभी ये है हमारा सीक्रेट बेस। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करे, मैं सोच रहा हूँ कि आजू बाजू झाड़ लगा दूँ, इधर एक झाड़ लगाता हूँ और बोध मिल से झाड़ को उगाता हूँ। ओह, इतने जल्दी झाड़ उग भी गया, वाव यार। इधर भी झाड़ लगाता हूँ, वापस बोध मिल दो। ओके ओके ओके, झाड़ उग गया है। ऐसे ही करके सारिया झाड़ लगा देते हैं ताकि बहुत सारे झाड़ों से वो लीवर जो है वो कवर हो जाए। इधर भी झाड़, इधर भी झाड़, ओके इधर 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 भी झाड़ लगा देते हैं। ओके, बोन मिल पानी जैसे ही है लेकिन पानी से 10 गुना ज्यादा फास्ट है यार। लेकिन झाड़ देखो इतना फास्ट फास्ट बढ़ रहा है यार, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता। तो ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम लोग इधर थोड़ा काट फाट करते हैं। तो ये तोड़ दिया और ये भी। ओके, तो हमारा रास्ता बन गया है, ये है हमारा लीवर और ये है हमारे सीक्रेट बेस का ऊपर का पार्ट, पूरा रामदेव बाबा का झाड़ बना दिया हमने। इसको भी हम लोग कवर कर देते हैं ग्रास से ताकि किसी को समझे ना, और यहाँ पर भी हम लोग ग्रास लगा देते ताकि किसी को भी शक ना हो यार कि इधर हमारा एंट्रेंस है। तो जब एक नॉर्मल बंदा यहाँ से चलेगा तो वो बोलेगा कि वाओ क्या झाड़ है, वाओ क्या ग्रास है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, इधर जाने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और यहाँ पर है हमारा लीवर जो हम खींचेंगे, और अब हो गया खुल जा सिम सिम और हमारा सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज खुल गया है। इसके अंदर हम लोग रहेंगे, मतलब अभी तक मुझे घर बनाना है अंदर, डोंट वरी, ये खड्डे में नहीं रहने वाला मैं। तो यहाँ से हम लोग अंदर खुदाई चालू करते हैं, यहाँ पर अंदर हमारा घर बनाते हैं। लेकिन घर पे जाने के लिए हम लोग एक स्टेयर का सिस्टम बनाते, तो नीचे नीचे जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, नीचे नीचे जाना पड़ेगा हमें। ओके, और भी तो नीचे दूसरा टाइप का स्टोन है, तो हम लोग, अच्छा मुझे लग रहा है कि नीचे केव वेव हो सकती है, तो अगर केव हुई तो और भी अच्छा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक स्पेस मिल जाएगी। तो ये है ऊपर से हम लोग ऐसे नीचे जाएंगे, तो यहाँ तक बस हो गया। यहाँ से हम लोग एक डोर बनाते हैं और इधर से अंदर हम लोग जाएंगे। ओके, ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, चलो अभी इधर से अंदर। ओ यस, ओ यस,
ओह यहाँ पर मॉन्स्टर्स है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी एक केव है। ओके लेकिन मॉन्स्टर्स के बीच में मुझे सोना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं वो। यहाँ पर हम लोग एक टॉर्च लगा देते ताकि यहाँ पर लाइट आ जाए। मुझे एक बात बताओ कि हम लोग अंदर से बंद कैसे करिए? ये तो खुला ही रहेगा ना, तो सीक्रेट बेस का तो राज खुल जाएगा। तो हम लोगों को एक सिस्टम बनानी पड़ेगी जिससे हम लोग ये अंदर से भी बंद कर सके। तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं और सोचते हैं यार कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने इसका कनेक्शन बना दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे हम लोग बंद करने का स्विच कैसे बनाए। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये लीवर खींचा तो हम लोग ये कौन आ गया? एक मिनट कोई तो आ गया। हेलो, ये फ्लाइंग जेट जैसा कॉस्ट्यूम पहन के कौन आया भाई? कौन है तू? एक मिनट, ये मेरा सीक्रेट बेस है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है तेरे घोड़ों के साथ? चल निकल। अरे सीक्रेट बेस का राज खुल गया। निकल पहले। हमारे राज का पर्दाफाश हो गया है। मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। ए घोड़ा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन तुझे मेरा राज पता चल गया है। वो दूसरा घोड़ा कहाँ पर चला गया? इधर आ, चल किधर जा रहा है? तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें सिर्फ इधर ये लगाना पड़ेगा। तो पूरी वॉल एक्टिवेट हो गई ऐसे मुझे लग रहा है। तो अभी हमें सिर्फ नीचे एक लीवर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लीवर लगा देते हैं। यस इट वर्क्ड। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ मेरे इंटेलिजेंट दिमाग का कमाल। तो अगर हमने ये लीवर को खींचा तो ये बंद है, लेकिन अगर हमने फिर से खींचा तो ये है खुला। तो ये बन गया हमारा सिस्टम अंदर से बंद करने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है तो यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर भी लगेगा टॉर्च। चलो अभी अंदर जाके खुदाई करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओह, स्टार्ट करते खत्म हो गया, क्योंकि अंदर एक केव ऑलरेडी बनी हुई है हमारे लिए। लेकिन अगर अंदर केव है मतलब यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होंगे। तो पहले हम लोग इधर लाइट लगा देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर मॉन्स्टर्स पक्का होंगे, क्योंकि हम लोग मॉन्स्टर्स के बीच में तो सो नहीं सकते ना। एक काम करते, पहले खुदाई चालू करते, जब मॉन्स्टर्स आएंगे तो देखा जाएगा यार। तो हम लोग पहले ये सब जो वॉल्स है इनको स्ट्रेट कर देते हैं। और ये वॉल, आ गया है मॉन्स्टर, पास में ही है। इसको भी इधर ही है, पास में ही है मॉन्स्टर। आवाज आ रहा है मुझे। इधर पहले टॉर्च लगा देता हूँ एक। एओ हाय मॉन्स्टर, मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि ये है क्रिएटिव मोड। आ जाना, सर्वाइवल में तो बहुत उड़ता है यार। तू भी स्पाइडर, कितना काटा है मानो मेरे को। मेरे पूरे 10 जन्म तक मैं स्पाइडरमैन बनूंगा, इतना काटा है मेरे को। तो ठीक है, तो हम लोगों ने इनको मार दिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि राइट से मॉन्स्टर्स आते ही रहेंगे, तो हम लोग ये पूरे एरिया को पहले कवर कर देते हैं। ये दीवार को हम लोग अंबुजा सीमेंट से कवर कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर्स यहाँ पर बिल्कुल भी आ ना पाए। और ये लग गया लास्ट ब्लॉक। अभी पूरी दीवार तो कवर हो गई है, लेकिन ऊपर सीलिंग पे बहुत सारी डर्ट है, तो हम लोगों को ये डर्ट को निकालना पड़ेगा यार, बहुत काम है। तो ये डर्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है, पूरी साफ सफाई कर दी हमने। तो यहाँ पर भी हम लोग सीलिंग भी ग्रे कर देते हैं। ओके, ये अच्छा लग रहा है। इधर भी फिल कर दिया। ओके, तो पूरी सीलिंग, पूरा वॉल सब कुछ ग्रे कलर का बन गया हमारा। लेकिन यहाँ से भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, ये हमें भूलना नहीं है। तो हम लोग को ये साइड भी कवर कर देते हैं। लेकिन है मॉन्स्टर्स है इधर, पक्का मॉन्स्टर्स है इधर। तो ये भी कवर कर देते हैं। हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है, रात को अच्छे से सो रहे होंगे और बाजू में मॉन्स्टर आके बैठ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब भी कवर कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये साइड भी कवर कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं टॉर्चेस लगा दूँ तो यहाँ पर बहुत सारी लाइट आ जाएगी। ये टॉर्च इधर, ये टॉर्च इधर, ये टॉर्च इधर। तो हमने ये रूम भी टॉर्चेस से भर दिया है और हमारा मेन लेआउट जो है रूम का वो तैयार हो गया और ठीक ठाक लग रहा है हमारा घर। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें दरवाजा लगेगा, लेकिन दरवाजा भी हाई फाई लगेगा। तो हम लोगों को दरवाजा भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप ही बनाने का है। तो मुझे ऐसा हाई फाई सिस्टम बनाने का है कि अगर मैंने अंडरग्राउंड आने का रास्ता बंद किया तभी ये दरवाजा खुलना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो रेड स्टोन से मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए कि ये रेड स्टोन को अगर मैंने ऊपर के लीवर को कनेक्ट किया तो एक ही लीवर से मैं दरवाजा भी खोलूं और नीचे आने का रास्ता भी खोलूं। तो फाइनली मैंने मेरा अल्बर्ट आइंस्टाइन और टोनी स्टार्क का दिमाग यूज करके एक सिस्टम बना दिया है जिससे हम लोग दरवाजा भी खोल सकते हैं और नीचे आने का रास्ता है वो भी खोल सकते हैं। देखो अभी हमारा सीक्रेट डोर, देखो अभी ये खुला है। अभी मैं लीवर खींचूंगा और ये दरवाजा खुल गया और इधर का रास्ता बंद हो गया। ये अभी थोड़ा घर के अंदर का भी काम करते हैं। नीचे हम लोग रेड कारपेट, अरे ऊपर कैसे उड़ गया ये, अलादीन का रेड कारपेट लग रहा है मुझे। सभी कॉर्नर्स को कवर करते हैं ऐसे। बहुत सारा काम बाकी है यार, चलो जल्दी करो यार काम। बट कम ऑन, यू कैन डू इट गाइस। वीडियो को लाइक मारो यार ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। तो हमारा रेड कारपेट तो सारा यहाँ लग गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा सीक्रेट बेस है तो हम लोगों को इधर एक तो रूम लगेगी। तो हम लोग एक ब्लू कलर की वॉल बनाते हैं यहाँ पर। तो ब्लू कलर का वुल लेके हम लोग यहाँ से खुदाई चालू करते हैं। ये वुल को हम लोग यहाँ पे रखते हैं यहाँ पर, और वो साइड को हमारा बेडरूम रहेगा। वैसे ब्लू कलर की वॉल बहुत अच्छी दिख रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक डोर लगाते हैं और साइड से भी कवर कर देते हैं। अरे पीछे नहीं, इधर। और ये लास्ट वुल लगाने के बाद हमारी बन गई है खुद की एक बेडरूम। और इस बेडरूम के अंदर बेड ही नहीं है, बेडरूम के अंदर बेड लगाना पड़ेगा। तो बेड का कलर कौन सा रखे? तो मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक वॉल का जो कलर है
और कारपेट का जैसे कलर है, तो मुझे लग रहा है कि ग्रीनिश कलर अच्छा लगेगा, लाइम कलर का बेड अच्छा लगेगा, तो हम लोग लाइम कलर का बेड इधर रखते हैं। और रूम वैसे फीकी फीकी लग रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में एक टेबल भी लगेगा, तो हम लोग इधर क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं। दूसरा कोई टेबल वैसे अच्छा खास है नहीं, तो मेरे सोने का बंदोबस्त हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये रूम का क्या करूँ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाऊँ और बहुत सारी किताबें रखूँ। वैसे किताबें मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन रखने में क्या जाता है यार। तो यहाँ पर हम लोग एक वुड का वॉल बना देते हैं ऐसे करके। अरे पीछे नहीं यार, यहाँ पर एक वुड का वॉल बना दिया, और यहाँ पर हम लोग दरवाजा बनाते हैं। तो ये वाला दरवाजा हम लोग इधर रखेंगे, और क्या मस्त लग रहा है ये रूम। और अरे यार, ये रूम का दरवाजा खुला रख दिया, ये बंद कर दिया। ओहो, क्या मस्त घर लग रहा है मेरा। बस यहाँ पर लाइट की कमी है, तो यहाँ पर लाइट भी लग गया कड़क। अब हमें अंदर रखने हैं किताबों के शेल्फ्स, तो यहाँ पर, अरे ऊपर नहीं रखना है यार, उड़ता हुआ किताब थोड़ी होता है। तो यहाँ पर एक शेल्फ रख दिया, यहाँ पर भी शेल्फ रख दिया। एक काम करते हैं, पूरे दीवार को हम लोग शेल्फ से भर देते हैं। इतने सारे किताबें मैंने जिंदगी में देखी भी नहीं है, और इधर हम लोग भर रहे हैं। ओके, ये भी भर गया और लास्ट वाले भी भर गया। और दरवाजा वैसे बहुत अंदर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दरवाजा बीच में रखते हैं। ओके, ये अच्छा दिख रहा है। और इधर से हम लोग अंदर आएंगे, और जब भी हम लोगों का किताबें पढ़ने का मन करेगा तो इधर बैठे नहीं बैठ सकते इधर, क्योंकि पीछे मशाल है और हमारा पिछवाड़ा जल जाएगा। तो इधर से हम लोग पहले बाहर जाते हैं यार। ओके, तो ये रूम भी तैयार हो चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेयर्स बना देते हैं, क्योंकि कोई बूढ़ा या फिर कोई बच्चा आ जाए तो वो गिर ना जाए इधर से। अभी बाथरूम बनाने के लिए हमें सामान ढूंढना है, तो बाथरूम के लिए ऐसे कुछ टब है क्या? टब नहीं यार, टब भी नहीं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें टब खुद से बनाना पड़ेगा स्टोन से। तो एटलीस्ट आई थिंक वाटर तो होना चाहिए। वाटर है इनके पास, वाटर की एक बकेट मिल गई हमें, लेकिन बकेट में तो ज्यादा पानी नहीं होगा, तो हमें टब के लिए पानी कैसे? एक मिनट, अरे इतना ज्यादा पानी एक बकेट में? अरे पागल हो गए क्या तुम लोग? मेरे पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। अरे एक मिनट, शांत दिमाग से सोचते हैं। अगर हमने वाटर पे लावा डाल दिया तो शायद एक स्टोन फॉर्म होगा, ऐसे हमने पढ़ा था। तो इधर, ओह यस, स्टोन फॉर्म हो गया। तो हम लोग ये पूरे एरिया को पहले कवर कर देते हैं, और फिर स्टोन को ब्रेक करते हैं, ताकि पूरी रूम नॉर्मल हो जाए। इधर भी डालते हैं, इधर भी। ए इधर लावा कैसे आ गया? उधर क्यों नहीं? एक मिनट, अरे यार इधर भी लावा आ गया, लेकिन इस लावा में हम लोग पानी डालते हैं। ओके, इधर भी लावा है, तो हम लोग क्या करें यार? एक काम करते, ए यार ये पूरा तोड़ना नहीं था यार, मैंने गलती कर दी। अरे पूरा मुझे आग लग गई। अरे बाप रे, पानी के अंदर भी गया मैं, और मेरे मेरे पे आग भी लग गई थी। अरे बाप रे, क्या पूरी वाट लग गई है मेरे घर की। इतने अच्छे से घर बना था पूरा, तब अरे यार मैं लावा के अंदर गिर गया यार। मुझे रोना आ रहा है यार, पूरी मेहनत से पानी और आग फिर दिया हमने। मैं जा रहा हूँ यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। अगली वीडियो